39 कौन नहीं आया आज फिर? कोई तीन बच्चे एब्सेंट है, उसमें से एक तो श्रेयस है, उसका तो चलो ठीक है, उसकी कंडीशंस है, बाकी और दो कौन है? खैर कोई नहीं, इधर देखो, दिस इज द ओरिजिन एंड यू कैन डिफाइन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ सिंगल कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स. यहां से ए कितने डिस्टेंस में है? यू कैन से एक्स आई. बी कितने डिस्टेंस में है? यू कैन से एक्स वाई. सो सारे डिस्टेंसेस को आप एक ही कोऑर्डिनेट से बता पा रहे हो, दैट इज एक्स. y की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो किसी भी तरफ हो, इस तरफ भी हो, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द ओरिजिन, यू कैन टेक द मोशन दिस साइड ऑल्सो. इसको नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं और इसको पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं. सो x के अलावा किसी वेरिएबल का यूज ही नहीं हो रहा भाई. पूरा मोशन हम एक वेरिएबल से निकाल पा रहे हैं, दैट इज x. It means that the motion is 1D. Motion is in one dimensional. अगर कोई ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या कोई बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, we can consider that bus or that train का motion as a motion in 1D. And the motion in straight line. ठीक है ना? यहां पे दूसरा coordinate introduce करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना. अगर यही motion 2D में हो जाता तो फिर क्या आ जाता? आपका coordinate आ जाता. फिर अब जैसे मान लो इंसेक्ट मूव कर रहा है फ्लोर पे, ऐसे 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 ऐसे, पहले यहां था फिर यहां आ गया, तो अब आपको क्या चाहिए? वाई भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए. सो मोशन इज अ मोशन इन अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ वन डायमेंशनल मोशन. अगला चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 4. ये तो उसी से निकलेगा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. क्या ये नीचे वाला भैया, ये 2D वाला, ये अपन देखेंगे किससे निकलेगा. इसको निकालने के लिए बहुत खतरनाक चीज इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, जिसको कहते हैं वेक्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th, मोशन इन 2D, वेक्टर. वेक्टर पढ़ेंगे अपन, पूरा का पूरा चैप्टर है, उससे निकालेंगे टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है, और थ्री डायमेंशनल मोशन निकालेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 6. ठीक है, जस्ट डोंट वरी, ये सब पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं. फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वेयर दिस ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन और द रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रॉम ओ यू कैन प्रेस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए और द पोजिशन ऑफ बी. ओ से लेके हम क्या करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहां तक का? ए तक का. तो वो क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑफ ए. ओरिजिन से लेके डिस्टेंस मेजर करेंगे बी तक का, तो वो हो जाएगी पोजीशन ऑफ बी. तो हम क्या कर पा रहे हैं? किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक वेरिएबल से ही डिफाइन कर पा रहे हैं, एक्स से. दैट मींस दैट मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इज अ वन डायमेंशनल मोशन. अगर ये पार्टिकल ओ के राइट साइड मूव कर रहा है तो वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव. जो डिस्टेंसेज आएंगे वो आपके किस में आएंगे? पॉजिटिव आएंगे. अगर ये ओ के लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है देन यू विल टेक इट एज अ. तो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड वाले डिस्टेंसेस किस में लोगे? पॉजिटिव में लोगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है. और ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस किस में लोगे? नेगेटिव में लोगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस किस में है. दिस इज अबाउट मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इसके बाद अपन आ जाएंगे सीधा डिस्टेंस. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो. लिखो, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is said to have one dimensional motion, is said, SAID, said to have a one dimensional motion.
Because only one coordinate, bracket mein likh lena, say x. Only one coordinate, say x, is required to describe the position. The starting point of the motion. बता दीजिए किसके आगे बेटा? से एक्स के बाद. से एक्स इज रिक्वायर्ड, कहां गया? मैं कहां से लिखवा रहा था, मैं खुद ही भूल जाता हूं. हाँ, से एक्स बोल दो यार, इसको क्या बोला था? इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजिशन, ठीक है. फिर क्या लिखवा रहा था? द स्टार्टिंग पॉइंट of the motion of a particle is called origin, or reference point, paraphrase. The right side of the origin starting point. अभी आप बोल रहे थे ना, क्या बोल रहा था? The starting point of the line, the starting point of the line of the motion, starting point of the motion भैया, the starting point of the motion is called origin or reference point. Reference point. उसके बाद para change, line change कर लिया. The starting point of the motion is called origin or reference point. उसके बाद क्या लिखवा रहा था? हाँ, the right side of the origin is taken as positive side, या is known as positive side. And the left side of the origin is known as negative side. ये सब बना लेना जिससे तुम्हें समझ में आ जाए. हाँ, but displacement तो negative होता है ना. अब देखो, जो x है, that is a position of a particle. x is a position of a particle. तो अगर time change होगा, तो particle की position भी क्या होगी? Change होगी. अगर वो particle motion में है, तो we can write the position of a particle is a function of time. इसका मतलब क्या है? अगर पार्टिकल मोशन में है और टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या लिखा था वहां पे? वाई इज कस्टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. क्यों? क्योंकि अगर एक्स चेंज हो रहा था, इसका मतलब वाई भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. तो अगर टाइम चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सो एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, और इसी को हम लिखते हैं एक्स टी. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. लिख लो भैया, इसी को लिखने का.
वो कुछ नहीं, वो यार एफ कहीं नहीं गया, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, लिखने के तरीके हैं अलग अलग, समझ रहे हो, एफ कहीं नहीं गया। That there are two ways to write the equation of motion of a particle. Either x is equal to f of t or x t. x t का मतलब वही है, x change हो रहा है t के according. x change हो रहा है t के according. तो ऐसा direct लिख सकते हैं, है ना? ये shortcut graph में use होता है. So you can write x t or x is equal to f of t, and this is the equation of motion of a particle in a straight line. भैया तो वो फंक्शन का साइन कहाँ गया? अरे वही तो कह रहा हूं यार कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितनी बार बोलू, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी लिख दो या एक्स टी लिख दो, दोनों की बात सेम ही है। अच्छा ठीक है भैया, है ना, फंक्शन का साइन गया तो चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे लिख देना, है ना, दिस इज आर टू वेज ऑफ राइटिंग अ इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो आप x of t, ठीक है, लिखो, नेक्स्ट सेटिंग डालो, पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। This is the graph. This is x t, and this is time t. ठीक है? अगर मान लो t equals to zero पे position of object है ये, अब बनाओ graph अगर object stationary. चल. सारे नहीं, अभी नहीं. बना लो पहले, सब बना लो. कोशिश कर लो रफ में बनाने की, जिससे पूछूंगा वही बताए। चलो अर्पिता कम ऑन, अर्पिता नहीं, अनुष्का यू वांट टू ट्राई, नहीं कोई नहीं, मीमांश यस सर, वांट टू ट्राई सर, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन कैसी, मतलब कहां पे, पैरेलल टू टी, मतलब ऐसी, नो सर, अच्छा नो, देन ऐसी सर, यस सर, ओके गुड, दिस इज द ग्राफ, समझो कैसे, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल थोड़ी रहा है, तो अगर टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, यही टाइम कितना है, दो सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा भैया, यही टाइम कितना है, तीन सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, यही टाइम कितना है, फोर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, यही, एक्स जीरो चेंज होगा क्या ऑब्जेक्ट का, नहीं चेंज होगा, तो ठीक है खींच दो सीधी लाइन, खींच दो सीधी लाइन, सिंपलेस्ट ग्राफ, क्लास टेंथ में पढ़े हो आप, ठीक है ना, सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट इज एक्स जीरो एंड एक्स जीरो इज एट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, तो कितना भी टाइम बढ़ता रहे एक्स जीरो यही रहेगा, अगर स्टेशनरी ना होता तो फिर ये एक्स जीरो चेंज होकर ऊपर जाता, नीचे जाता, ऊपर जाता, कैसे भी जाता, बट फॉर नाउ द एक्स जीरो इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो टाइम बढ़ाते जाओ बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम, सो दिस इज द ग्राफ,
दिस इज द ग्राफ, ठीक है, बना लो और लिखो इसके साइड में द ग्राफ बिटवीन, द ग्राफ बिटवीन एक्स की एंड टी फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लीज रिपीट द ग्राफ बिटवीन एक्स टी एंड टी फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को अंडरलाइन कर लें, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। भैया ये ग्राफ 2D होगा? हाँ ये ग्राफ 2D है, ग्राफ हम 2D में बना रहे हैं, मोशन 1D है, ठीक है। ग्राफ एक्चुअली में अपन 2D में ही बनाते हैं, ग्राफ 1D में बना सकते हो क्या? बहुत दिक्कत है, फिर उसमें एक ही एक्सिस होगी, एक एक्सिस से ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस इज अ ग्राफ फॉर अ पोजिशन टाइप ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चलो अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो आप लोग सब जानते हो बट पढ़ना वही है इन चैप्टर्स में। चलो हेडे व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल लेंथ। अब क्या यूज करोगे? एक्चुअल लेंथ, क्योंकि इसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट भी। सो द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझो अगर पार्टिकल था यहां ए पे, पार्टिकल गया यहां, फिर गया यहां और फिर वापस आ गया यहां बी सी, ये डिस्टेंस था 4 मीटर, ये था 3 मीटर, ये था 5 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने? 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 मीटर या 3 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 12 मीटर। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है। बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने में जितना, यहां से लेके सागर गए, सागर से लेके वापस आए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 70 × 140 किलोमीटर। यहां से लेके सागर कितना है? 70 किलोमीटर। वहां से वापस आके 70 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 140 किलोमीटर। ए से शुरू हुआ पार्टिकल, बी पे गया, सी पे गया, फिर ए पे आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4, 3, 7, 5, 12 मीटर या 12 मीटर, है ना, 12 मीटर। सो द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। यहां पे इनिशियल और फाइनल दोनों पोजिशन कौन सी है? ए। दमो से सागर गए, सागर से दमो वापस आए, इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है? दमो, 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 दमो से गए और दमो ही आ गए, ठीक है ना। सो द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन को तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे। देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन इन डिस्टेंस, ठीक है ना। दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हर केस में पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो पाथ लेंथ है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो मैं मीटर स्केल से नापना है, नाप लो, हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। बस इतना ही है डिस्टेंस के बारे में जानने के लिए।
अब देखते हैं इसका भाई डिस्प्लेसमेंट। ये भी पढ़ा है आपने, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड। तीन डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट को समझने की, बहुत अच्छे से समझना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इज डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, द एक्चुअल पाथ लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या ऐड कर दिया हमने? डायरेक्शन ऐड कर दिया, द एक्चुअल पाथ लेंथ इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन, फाइनल और इनिशियल पोजिशन के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज नॉट द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन की बात हो रही है तो ध्यान रखो, अगर दमो से हम गए सागर और सागर से हम वापस आए दमो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो 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 जीरो, बिकॉज इनिशियल पोजिशन इज दमो, फाइनल पोजिशन इज दमो, सो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज कस्टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पर हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इज द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, द एक्चुअल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। किसी डायरेक्शन की बात हो रही है, अब हमें नहीं पता कि अगर हम गए और वहां से वापस आए, इस केस में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। जीरो, ए से शुरू किया, ए पे ही आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट है जीरो। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया क्या? नहीं किया, जितना डिस्टेंस गए थे उतना वापस आ गए, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। कैसे भी हमेशा पॉजिटिव होती है ना? आ? डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, ये होती है नेगेटिव। देखेंगे कैसे, अभी हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे आप इसके, कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। देखो पॉजिटिव कैसे होगी वो सबको पता है। अगर मान लो दिस इज द ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है? ए इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो यू कैन से इट इज एक्स आई, एंड बी इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन से एक्स आई, एंड दिस इज ओरिजिन ओ। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहां पे? एक्स एक्स एफ माइनस एक्स माइनस एक्स आई, क्या आएगा? ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। क्यों? एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई। देखो दूसरा केस, इफ दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, अगर कोई पार्टिकल ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, तो अब क्या हो जाएगा? दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो जीरो जीरो, बिकॉज एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ। तीसरा केस देखो, नेगेटिव कब होगा? इफ दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन, दिस इज एक्स आई एंड दिस इज एक्स एफ, तो अब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, बट दिस इज नेगेटिव बिकॉज एक्स आई इज ग्रेटर देन। So, अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बताया था ना कि
नेगेटिव एक्सिस इसके डायरेक्शन में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. देखो ए से बी गया उल्टे डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो जब भी पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा देन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी नेगेटिव, देन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी नेगेटिव. ठीक है ना. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है इसका. ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली तो कैसे ही नेगेटिव आएगा बताओ. यहां से लेके दमो जाओगे, सॉरी दमो से लेके सागर जाओगे और सागर से फिर वापस आगे कटनी चले गए मान लो, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, दमो थी, लेकिन कटनी उल्टे डायरेक्शन में चले गए, यहां आ गए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अगर दमो से सागर जाते और सागर से वापस दमो आते तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, लेकिन हम दमो से कहां निकल गए, कटनी निकल गए. कटनी किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर. शुरू हो जाओ, लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, द डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन in a given interval of time, in a given interval of time is called distance. Sir, so distance mein interval of time kahan aata hai? Interval of time kahan aata hai? Are jaise tum iska beta definition mein iska likhne ka matlab ye hai ki maan lo agar aap a se b gaye to kuch time laga hoga na jaane mein, hai na. So that is an interval of time. फिर B से C आए, फिर कोई time लगा, that is again another interval of time. और फिर C से A आए, तो फिर time लगा, ठीक है ना. So distance is the actual path length traveled by the particle in a given interval of time. यहां से लेके दमो से लेके सागर गए तो एक घंटा लगा, और सागर से लेके वापस दमो आए तो दो घंटे है, एक घंटा फिर लगा, तो given interval of time कितना हो गया total? 2 hours. तो 2 hours में तुमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 140 किलोमीटर, ठीक है ना. सो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम का यही मतलब है कि कितने टाइम में वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर कर रहे, ठीक है, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस. ये वाला एग्जांपल लिख लो, ये ट्रायंगल बनाओ 4 meter, 3 meter और 5 meter. पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी एंड अगेन फ्रॉम सी टू ए, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस. भैया हाँ, अगर इनिशियल से सिर्फ फाइनल जा रहा, फाइनल से इनिशियल पे नहीं आ रहा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपने आप. मतलब अगर जैसे ए से सी जा रहा है और सी से वापस ए नहीं आ रहा तो वो अपने आप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कि डिस्टेंस ही कहलाएगा वो. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. अगर हमें ए और सी के बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, 4 + 3 7 meter, and what is the displacement, the shortest distance, shortest distance kitna hai aur ke beech 5 meter, so 5 would be the displacement. Theek hai, ye bhi bataunga aage, tension mat lo, simple hi hai wo to. Theek hai, sir abhi jab displacement ki characteristics likhenge na usme se ek characteristics ye wali bhi aayegi, theek hai, so just don't worry. Abhi likho kya bol raha tha main, distance ki definition ho gayi thi, हो गई थी, ये लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो, एंड टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 + 3 + 5. किस केस में लिख लेना, कि जब पार्टिकल ए से शुरू हुआ और वापस ए पे आया, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी एंड अगेन फ्रॉम सी टू ए, देन टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, स्केलर, स्केलर. उसके नीचे एक स्टार बनाओ,
और लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसे स्टार बनाओ ऐसे स्टार बनाओ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में एसके लिख दिया ना, तुम भी एसके लिख दो, समझ में ना क्या लिखा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. लिखो एरो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और इतना बड़ा और बनाओ बीच में और दूसरी डेफिनेशन देखो. अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्योंकि ये अपन ने टेंथ नहीं पढ़ी थी. अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन. अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर ये डेफिनेशन लिखोगे तो Hopefully, ज्यादा अट्रैक्टिव आपकी आंसर शीट रहेगी. लिख सो आप पहली वाली भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर्मूला लिख लो. डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर टू फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, वेयर एक्स एफ स्क्वायर टू फाइनल पोजीशन एंड एक्स आई स्क्वायर टू इनिशियल पोजीशन. भैया डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? बेटा डिनोट दोनों को डी से ही करते हैं. ठीक है ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है वेदर इट इज डिस्टेंस और वेदर इट इज डिस्प्लेसमेंट. देयर इज नो अ डिफरेंट डिनोशंस फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. है ना, डिनोशन इनके कुछ नहीं है. है ना, जैसे स्पीड और वेलोसिटी वो एस और वी लिख देते हो, लेकिन कहीं कहीं दोनों को वी भी लिख देते हो. ठीक है ना, तो डिनोशन का कोई यहाँ रोल नहीं है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप दोनों डी से ही डिनोट करो. एरो लगा दें वेक्टर वाला तो. हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है, एरो लगा, वेरी गुड. वेक्टर क्वांटिटी में अभी मैं जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब ये एरो आपका काम करेगा ना. अभी वेक्टर तो पता ही नहीं है ना अपन को. ठीक है, इतना तो पता है कि दिस वेक्टर मीन्स अ डायरेक्शन. ठीक है, सो ऑफकोर्स अभी जब प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा डिस्प्लेसमेंट की तो उसमें ये आ जाएगा. फिलहाल के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई. ये वाला डायग्राम बना लेना, उसी के बाजू में जहां ये लिखा है उसके बाजू में ये वाला डायग्राम. नाउ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दो. ठीक है, और उसके नीचे ऐसे पॉइंट्स बनाना चाहते हो. पहला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. दूसरा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. जीरो, वेरी गुड. लिख लो
है ना, और जहां दूसरा पॉइंट लिखा है वह छोटे छोटे, ये तीन समझ गए, बिल्कुल छोटे छोटे, एक दो तीन, और ये ऐसे ऐसे लिख लेना, नोट्स बनाओ तरीके से, मजा आता है पढ़ने, ना रेफ्रेशर देखने की जरूरत पड़े ना एनसीईआरटी देखने की जरूरत पड़े, नोट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए देखनी पड़ेगी दोनों, सो ये बना लो छोटे छोटे तीनों और लिख लेना पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, यहां पर ऐसा एरो बना ले, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सर ये तीनों डायग्राम फर्स्ट पॉइंट में बनाने हैं ना, नहीं सेकंड वाले में बनाओगे ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव कैन बी जीरो, यस सर, और जहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वहां पे ब्रैकेट में डी के ऊपर एरो, हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट लिखो, डज नॉट डिपेंड ऑन, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन, देखो इस चीज को समझो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट, एक ओरिजिन है ओ, एक ओरिजिन है ओ डैश, अलग अलग ओरिजिन है, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ क्या? नो, बताओ, नहीं चेंज होगा, सो द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, तुम ओरिजिन ओ को मानो चाहे ओ डैश को मानो, बट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज, ठीक है, ये डायग्राम बना लो छोटा सा बाद में, ये तो XF कहां से लेंगे, O से या O dash से, क्या XF एक्सेस, वही तो कह रहा हूं, दो एक्सेस है, XF XF XF, देखो देखो अच्छा समझो इसको और डीप में ही समझ लो, मान लो तुमने यहां से इनिशियल और फाइनल पोजीशन ली, O dash कितनी आई, इनिशियल पोजीशन चार आई, कितनी आई फाइनल पोजीशन आठ आई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अब हमारा ओरिजिन थोड़ा सा पीछे को खसक गया, तो अब मान लो ये डिस्टेंस हो गया छह और ये दूसरा डिस्टेंस हो गया दस, नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर, अब क्लियर हो गया, ये अच्छे से, वेरी गुड, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द पाथ, अबाउट द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड, इसको समझो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, सी ना मानो,
एक पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है पार्टिकल, ये ठीक है, ए से गया और बी पे आ गया। दूसरा पाथ कौन सा फॉलो किया, ये। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन बोथ द केसेस, ए बी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी। तो अब बताओ जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला ए बी, तो ये इस शेप के या इस शेप के बारे में बता पाएगा, नहीं भैया नहीं बता पाएगा। सो द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड, चाहे वो ऐसा जाए चाहे वो ऐसा जाए, हमको नहीं पता, क्योंकि हमें क्या पता है, ए बी। एंड ए बी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस शेप, या तो ये शेप या स्ट्रेट लाइन शेप, राइट। तो ये फिगर बना लो साइड में, सरफेस डिस्टेंस भी नहीं देता हुआ कुछ इंफॉर्मेशन शेप के बारे में। डिस्टेंस तो देता है बेटा, क्यों डिस्टेंस क्यों नहीं देगा, डिस्टेंस तो आप क्या निकालोगे, जैसे मान लो ये शेप है तो इस शेप का डिस्टेंस निकालोगे अलग, और ये है तो इसका डिस्टेंस निकालोगे अलग। तो जैसे जैसे डिस्टेंस निकालते जाओगे वैसे वैसे शेप पता पड़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो तुम्हें सीधी लाइन निकालनी है, तुमने ये सब मेजर तो किया ही नहीं, समझे। तो डिस्टेंस तो देता है भाई शेप की इंफॉर्मेशन, ओके ठीक है, बनाओ और लिखो साइड में एक लाइन और लिख लो उसमें कि इन बोथ केसेस, दिस इज पाथ वन एंड दिस इज पाथ टू, इन बोथ केसेस द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, दैट इज को लिखते हैं आई ए बी, आई ए बी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ना, चार होगी ना, चार होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी, यस सर। चलो फिफ्थ लिखो, फिफ्थ लिखो नहीं, फिफ्थ बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया हो, करेगा और एक ही डायरेक्शन, अधूरा, एक्सीलेंट, अब पूरा हुआ आंसर। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम। देखो पार्टिकल ए से बी गया, what is the distance, 4 meter a b, and what is the displacement again, 4 meter a b, so if the particle is moving in a particular direction, apna direction change nahi kar raha hai, then distance would be equal to displacement, theek hai na, aur agar particle ne apna direction change kar diya, then distance would be greater than discuss to अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, एक हाँ बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस से, कभी नहीं यही तो है अलग, दैट इज द नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, displacement cannot be greater than distance, kabhi nahi ho sakta, so it is always less than equal to distance, aur ye hame kaise pata pada, in do properties se, property number 5 and property number 6, property number 5 says distance is equal to displacement if the particle is traveling in a particular direction only, aur agar direction change ho then displacement would be less than distance, displacement would be less than distance, और अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को ऐड कर दो तो ये बन कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इक्वल कब होगा व्हेन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और बड़ा कब हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट छोटा कब हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तीसरा कोई केस है ही नहीं. ये तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता. ये कभी बड़ा हो ही नहीं सकता. लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. माइक ऑफ करो बेटा. किसी का ऑन है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सिक्स्थ प्रॉपर्टी. डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन. या पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स डायरेक्शन. Changes its direction. Chalo. Isko hata do. Displacement ka kaam khatam ho gaya. Let's come to the next thing, and that is speed. In layman terms, सबको पता है speed क्या है? क्या है speed? Rate of change of distance of the object. Distance per unit time. Distance per unit time. Very good. Sub definitions change. The rate of change of distance. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम फलाना ढिमका कुछ भी. अब अगर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आपको स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये अच्छे क्लियर हो जाएंगे. ऐसे हलवा पूरी है यहाँ पे. बस समझते चलो चेक करके क्या है. स्पीड लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम. स्पीड. अरे यार एक चीज तो भूल ही गए लिखवाना. वो इसलिए भूल गए क्योंकि वो कंसिडरेबल था. यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर. मीटर. ठीक है. सीजीएस में यूनिट क्या है डिस्टेंस की? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो किसमें मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. उतना बड़ा नहीं. उतना बड़ा नहीं मतलब यहाँ से लेके अरे यहाँ से लेके सागर तक का किलोमीटर. ठीक है ना. अब मोशन है ना स्ट्रेट लाइन में आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तक तो जाओगे. ठीक है ना. सो यहां से लेके मुश्किल से सागर ही जा पाओगे या ज्यादा से ज्यादा जबलपुर. तो ठीक है. सो किलोमीटर. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो हैज द सेम यूनिट. डिस्प्लेसमेंट की भी सेम यूनिट होती है जो डिस्टेंस की होती है. ठीक है. ठीक है. बस यही बताना. स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम. फिर से स्पीड इज अ
Scalar quantity. It is always positive. ये तो पढ़ा पढ़ा है। सर जो हमें देखना है वो ये देखना है, ये थोड़ा सा हो सकता है नया हो बट उतना नहीं। हाँ पूछो सर। स्पीड भी वेलोसिटी से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है। हाँ अभी अभी धीरे धीरे, मतलब तुम खुद अगर पढ़ लोगे तो मैं स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ, मैं सीधा उस पे कूद जाता हूँ, क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। नहीं सर वो डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना उसके लिए वो आ गया। तो रुक जाओ, अभी स्पीड के बाद वेलोसिटी पे चलेंगे तो मैं वहां पे लिखवाऊंगा कि ऑलवेज स्पीड इज लेस देन, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो यूनिफॉर्म स्पीड, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड विद द एग्जांपल। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड, कौन ने बोली थी डेफिनेशन? आदित्य। आदित्य ने, ठीक है। समझाओ इसको, एक्सप्लेन करो कोई, व्हाट डज इट मीन। आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू प्रैक्टिकल। ये तो डेफिनेशन सबको पता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज वेरिएबल स्पीड। दैट आई डोंट वांट, आई वांट यू टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकल व्हाट डज इट मीन, बिल्कुल लेमेन टर्म्स में, कि क्लास का हर एक बच्चा समझ जाए। सर इफ वी आर गोइंग थ्रू अ बाइक एंड वी कवर्स आवर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर एंड कवर्स द अनदर 100 किलोमीटर इन द अनदर 1 आवर, सो वी कैन से दैट द स्पीड आवर स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सीलेंट, यही सुनना था। अगर मैं यहां से गया, यहां एक पॉइंट से दो पॉइंट ए से बी, ठीक है ना, मैंने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर मैं बी से गया सी, फिर मैंने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर सी से डी गया, फिर डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर 2 मिनट में, मैं अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन किया हुआ कांस्टेंट, और वी कैन सी यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। If you will cover equal distances in equal interval of time, it's called uniform speed. ठीक है? अगर यही चीज चेंज हो जाती, पहले दो मिनट में मैंने 4 किलोमीटर किया, दूसरे दो मिनट में मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर की, अगले दो मिनट में गाड़ी की स्पीड कम कर दी तो 2 किलोमीटर किया, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। या फिर मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा हूं, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, मुझे लगे कितने मिनट, 2 मिनट, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस मान लो 4 किलोमीटर है, मुझे कितने मिनट लगे, अब 4 मिनट लग गए, फिर सी से लेके डी तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, अब मुझे कितने मिनट लगा, 1 मिनट। सो यहां पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है हम ज्यादा कवर कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम, इट मींस वी आर कवरिंग द अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। एंड दिस इज आल्सो जहां पे हमारा क्या है, डिस्टेंस सेम है, ए से लेके बी तक 4 किलोमीटर कवर 2 मिनट में कर लिया, बी से लेके सी तक 4 किलोमीटर कवर हमने 4 मिनट लगा दिए, और सी से लेके डी तक 4 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट बस लगा, दिस इज आल्सो वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड की दो डेफिनेशन, if a body covers equal distances in unequal interval of time is also variable speed, or if the body covers equal ya unequal distances in equal interval of time this is also variable speed, or agar distance or speed dono equal hai, distance or time equal distances in equal interval of time, so that is called uniform speed. So agar variable speed hai tabhi aata hai concept kiska, एवरेज। अगर यूनिफॉर्म स्पीड थी तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ही सेम स्पीड से चल रहा है कांस्टेंट,
तो एवरेज भी इसका क्या होगा, वही जो वैल्यू है कोई चेंज नहीं हो रही। बट अगर वेरिएबल है इसकी, स्पीड क्या है वेरिएबल है, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रही है अलग अलग टाइम इंटरवल, तो भाई कॉन्सेप्ट आ जाता है एवरेज स्पीड का। अब जो हम ए से लेके डी तक की टोटल स्पीड निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका वो नहीं है कि इन पर्टिकुलर स्पीड का निकाल कर उनका मीन ले लो और तीन से डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं निकलेगा। यहां पे एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और जितना टोटल टाइम लगा दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 6 और 4 10 और 2 12, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 2 4 और 2 6, तो कितनी आ गई एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर मिनट। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 4 8 4 12, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 4 और 1 7 किलोमीटर पर मिनट। सो हमने शुरू किया था यूनिफॉर्म स्पीड से, खत्म किया एवरेज स्पीड पे। कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, गाड़ी वेरिएबल स्पीड से चलती है, अपन एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को नहीं चला सकते। हम क्या करते हैं, कभी उसकी स्पीड कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है वहां पे। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। एक एवरेज निकाल लो मोटा मोटी कि हमने 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गाड़ी चलाई, ठीक है, भली वो स्पीड वेरी होती गई। पहले 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला रहे थे, 15 थी स्पीड, फिर बढ़ा के 20 की, 30 गए, 40 गए, ठीक, फिर कभी कम हो गई, 30 आ गए, 15 20, तो क्या है वेरी कर रही स्पीड बार बार। तो हमने किसका कॉन्सेप्ट निकाल लिया, एवरेज स्पीड का। एक मोटा मोटी स्पीड निकाल ली कि हम दमो से लेके सागर गए तो हमने गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाई थी, दैट इज एवरेज स्पीड। दैट इज एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तीनों चीजें समझ में आई भैया? आएंगी कैसे? चलो क्या क्या कह रहे हो बेटा, वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं ना। एक्सीलेंट, वेरिएबल का नाम ही नॉन यूनिफॉर्म है। वेरिएबल मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, यूनिफॉर्म ये नॉन यूनिफॉर्म ये, लिखो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम कॉमा हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिखना जब भी यूनिफॉर्म डेफिनेशन की, ये वाली लाइन यूनिफॉर्म कर दीजिए, समझा, लिख दो हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम्स कैन बी या मे बी फुल स्टॉप। तो भाई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, वो 2 मिनट का हो सकता है, वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 सेकंड के भी अगर इंटरवल लोगे ना तो भी वो डिस्टेंसेस क्या कवर करेगी, इक्वली कवर करेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट
किस तक चली, एक सेकंड का भी अगर तुम टाइम इंटरवल लोगे तो भी लगेगा, तो भी लगेगा। सो ये है यूनिफॉर्म स्पीड कि इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी, तुम कितना छोटा कर लो टाइम का इंटरवल, बट इट वुड बी यूनिफॉर्म, इट वुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ अगर दीज आर द डिस्टेंसेस, यू कैन टेक इट एज एक्स टी एंड दिस इज द टाइम एक्स टी, दीज आर द पॉइंट्स। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डिस्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर एक सेकेंड पर 5 किलोमीटर कवर कर रहा है तो दूसरे सेकेंड पर 10 ही कवर करेगा भाई, तीसरे सेकेंड पे 15 कवर करेगा भाई, चौथे सेकेंड पे 20 कवर। तो ये लाइन खींचोगे स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले सेकेंड में 5 किलोमीटर, दूसरे में पहुंच गया 5 और 10, तीसरे में पहुंच गया 5 और 15, चौथे में 5 और कर लिया 20। बना लो ग्राफ, और ग्राफ के बाजू में लिखना है यहां पे, हमेशा ग्राफ या डायग्राम्स अपनी कॉपी के राइट साइड में बनाया करो और लेफ्ट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन लिखा करो, ऐसे ही आपको अपनी आंसर शीट में करना है। इन दिस केस बना लिया, ये रुक जाओ। यस सर बना लिया, यस सर बना लिया। हाँ भैया, इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। Variable speed लिखो, तो body travels unequal distances इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट्स कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। फिर एक बड़ा सा और बनाना भैया, एक बार रिपीट कर दो ये। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। और करके इसकी उल्टी लिख लो, क्या लिखोगे? इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, दूसरी वाली डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस और अनइक्वल इंटरवल्स भी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इन्हीं दो में हम पूरा डील कर लेंगे। ठीक है, लिख तो आप वो भी सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है। आप बताओ इसका, ये आपको साइड में एज एग्जांपल के तौर पे बना ले तो बना लेना, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है, आपको समझने के लिए बताया था। ठीक है, नाउ दिस ग्राफ इज चेंज्ड एंड इट वुड बी लाइक
इट कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन. पहले सेकंड में तो मान लो 5 ही कवर कर रहा था, बट दूसरे सेकंड में ये कितना कवर करने लगा? 12. तीसरे सेकंड में इसने कितना कवर कर डाला? 15. So it is covering unequal distances in equal interval of time. Unequal distances in equal interval of time. Bana better than a graph, no? Here, distance traveled is not directly proportional to time taken. Let's look. Sir, it can be zigzag line also. Of course, it can be zigzag line also. In the case of unequal distances and unequal interval of time. सबसे बढ़िया तरीका, इफ इट इज नॉट फॉलोइंग दी स्ट्रेट लाइन इट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म. खत्म. हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. यार अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. इट इज ऑलवेज जीरो. ओके सर. राइट. सो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बना चुके हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ वी हैव ऑलरेडी मेड इनिशियल शुरुआत की थी जब. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही तो बना रहे हैं सबके. तो उस वाले केस का तो मैंने स्टार्टिंग ही किया था उससे. एवरेज स्पीड लास्ट फिर छुट्टी पक्का. एवरेज स्पीड. When a body moves with a variable speed, then line change karna, average speed, then line change, average speed is defined as the ratio of total distance traveled by it to the total time taken. डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रिपीट कर दीजिए. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट उस बॉडी की बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन. इफ डेल एक्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड and del t is equals to total time, then v average is equals to ye v hai, v se denote kar lete hain isko, koi dikkat nahi hai. V mu ni v average is equals to del x upon del t. ye yahan pe del kaise aa gaya? बेटे डेल को सिर्फ डिनोशन दिया है. डेल को सिर्फ डिनोशन दिया है, उसका यूज कुछ नहीं है. यू कैन यूज इट इन अ डिनोशन फॉर टोटल डिस्टेंस. यहाँ पे डेल का मतलब चेंज नहीं है. ठीक है, सो जस्ट डोंट वरी. या यू कैन कंसीडर इट एज अ चेंज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो भी वो डिस्टेंस की इक्वल ही आएगा अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो. राइट. सो यू कैन यूज इट एज अ वी एवरेज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी.
एवरेज स्पीड के तीन केसेस हैं, ये कल बताऊंगा, आज टेंशन मत लो, ठीक है। इन तीन केसेस में से जो तुम्हारे अभी वो जो मतलब इसमें तो सीबीएसई में तो आता ही है, वो जो पेपर्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव वाले, पुलिस से लेके पटवारी से लेके और आपका जितना भी ये इवन यूपीएससी का जो पेपर टू होता है प्रीलिम्स का, जिसको हम कहते हैं सी सेट, यहां तक क्वेश्चंस आते हैं इन तीन केसेस, एवरेज स्पीड का, या तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, भर के कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता हूं नीट और जेई भले ना पूछे, लेकिन साले ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो सब पूछता है। मैं कह रहा हूं सीसेट तक पूछता है। सीसेट इज द प्रीलिम्स का दूसरा पेपर। यूपीएससी में प्रीलिम्स में दो एग्जाम्स होते हैं, तो पहला होता है प्रीलिम्स वन और दूसरा होता है सीसेट। दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश आती है और इसमें पूरा आता है जनरल स्टडीज। सो इसमें भी जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आती है। आपको मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, क्लास टेंथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसके बाद करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड देन वी विल कम टू पोजिशन वो क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। सो आज इतना था, समझ में आया सब कुछ? हाँ भैया। यस सर।